सरदारा साहब के अध्यक्ष रहने का ऐलान किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं चौधरी अकबर सरदारा साहब के लिए इलेक्शन उनका इलेक्शन लड़ूंगा और चौधरी मोहम्मद हुसैन सरदारा साहब की शक्ल में भी चौधरी अकबर सरदारा की हमारी करेंगे। मेरी बात साबक MLA साबक MPA साबक MLA जनाब मियां मोहम्मद रशीद साहब बुजुर्गों को पता है, वो इस पार्टी ने पाकिस्तान बनाया,
लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो बाद जो हाथ मुस्लिम लीग का होया वो बुजुर्गों का है। दोस्तों एक गल बड़ी अहम है जी तुम दसना ले है कि जो 85 अरवाज वजीर साहब MLA बने, मोहम्मद खान जी नेजो साहब वजीर आलम बने, उन्होंने इन्हों अपनी कैबिनेट लै लिया, वजीर लै लिया, वजीर एक महकमा बगदियाज का वजीर बन गया। तो जी डिवेलपमेंट मिली वो शक्करगढ़ से लिया के ते हाजम आ गया, तमाम डिवेलपमेंट हाजम कर गया और शिकायत हो गई, कमेटी बनी, साबित हो गया कि करप्शन हुई है, पैसे खा ले गए। तो दोस्तों मोहम्मद खान जी ने जो बड़ा नेक और जानकार आदमी थे, मोहम्मद अली जिन्ना तो बाद अगर पाकिस्तान में जानकार वजीर आजम मिले, कोई सरबराह मिले तो मोहम्मद खान जी ने जो थी उस बंद ने कहा मेरे खिलाफ पर्चा कराया। यकीन करो कैबिनेट ने सारी दिन तरला पाया कि एनू कैबिनेट को कर दो पर चला कर, बड़ी मुश्किल ने उन्होंने बनाया। तो दोस्तों जब करप्शन सारी सामने आ गई शक्करगढ़ के लोगों ने फांसी से असेंबली टूट गई, तो असेंबली टूटने तो पहले मेरे कायद चौधरी अख्तर वरियो ने इन्हें कहा कि मैं इलेक्शन केड़े मुंह नाल जाणा, मेरी करप्शन से हर बंदे नूं पता लग गया ते मैनू वोट केड़े पाणे। यकीन करो कि अख्तर वरियो ने चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ जी मियां नवाज शरीफ नूं रिक्वेस्ट करके उन्हां दिनां च करोड़ रुपया डिवेलपमेंट नूं लिया के दित्ती कि जा इलेक्शन ला गया। ते दोस्तों उस इलेक्शन च जो इहदा हाल होया वो भी तुहानूं मैं दस्सां, जिस इलाके च नूं वोट मिलते सन दयों बार कर्नल हाजम साहब, कर्नल हामद साहब, आसिफ इकबाल साहब दे चचा वो आजाद खलो गए, टोपी निशान मिल गया, सारे भाई पुत्र टोपियां पा के आए, तो मैं टोपियां पा के कर्नल हामद को वोट दे जिहड़े उधर हाथों साहब की छुट्टी हो। इलेक्शन वाले दिन यकीन करो काट हुआ है, रिकॉर्ड कढ़ा के देख ले, चोरी दानल जी से रिकॉर्ड कढ़ा के देख ले, उस पूरे इलाके के लिए इलेक्शन आ गया, क्योंकि शक्करगढ़ के नजदीक बंद सन, उनका रिजल्ट पहले आ गया। मलक करमजीत की दुकान पे बोरियत में चोरी अनुमति जमा पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हक़ जो इलेक्शन मेरे हक़ जो रिजल्ट गया, बॉर्डर तो लैके नडाले शहरियों तक मले तक एक पोलिंग नहीं जितया, हर तमाम पोलिंग जितया अमीर ने जला के भेजा, तो जल्द रिजल्ट उतरे गया तो उठ के बह गए तो मुझे चुप लिया। तो दोस्तों अगे की होया, अगे की होया, इलेक्शन जित के करोड़ रुपया मियां नवाज शरीफ को लैके वरियो साहब की सिफारिश भी ते अगुए ने की कीता, इलेक्शन जितने तो बाद मुस्लिम लीग ने टिकट से इलेक्शन जीत के पीपल्स पार्टी चला गया। मैनू भी कहा कि तू भी नाल आ जा, मैं कहा मैं पागल हाँ, मैनू हलका एक कुत्ते ने वड़िया कि मैं मुस्लिम लीग के टिकट से इलेक्शन जीता ते पीपल्स पार्टी चल जा, उत्ते पीपल्स पार्टी हुकूमत थले मुस्लिम लीग की हुकूमत, मैं शताई हाँ मैं पागल हाँ, मैं किस तरह जाना। चोरी फिर अगे नब्बे का इलेक्शन आ गया, राम बेरिया से इंडिया जुदा हो गई, नब्बे च जम्मू कश्मीर का इलेक्शन आ गया, चोरी मुखसर साहब ने कहा कि मुकाबले इलेक्शन लड़ना है,
हाजी मोहम्मद का कैंडिडेट मैं चौधरी साहब को कहा चौधरी साहब इलेक्शन लड़ो गड्डियां मेरिया डेरा मेरा मैं तेन भरा समझना तू मेरा साथी है तो इलेक्शन लड़ चेयरमैन साहब साहब ने कहा जे सिर्फ इलेक्शन लड़ना है तो मैं लड़ना जे जीतना है तो तू लड़ मैं कह मैं एम पी ए भी होवा तो मैं किस लगूंगा चौधरी साहब ने कहा कि मैदान लग गया अगू सियासत वो करेगा या असी करांगे जे वो कुछ राष्ट्रपति इलेक्शन जीत गया तो सियासत वो करेगा जे असी जीत गए तो सियासत असी करांगे हालात ऐसे पैदा हो गए दोस्तों यकीन करो मैं जानकारी का कहना कि चौधरी साहब जी असरार के नाम लिया कि ठीक है इलेक्शन लड़ने तो दोस्तों वो इलेक्शन जरा उस वक्त शुरू हो गया इख्तलाफ शुरू हो गया और जेडी गल चौधरी मोहम्मद साहब ने आखी ओही अमर जी साहब ने आखी कि जेड़ा जीतेगा वो सियासत करेगा इतने तो दोस्तों जब मैं चौधरी मोहम्मद साहब ने इलेक्शन शुरू किया इन भी शुरू किया जो जोश उस वक्त मैं देखा चौधरी मोहम्मद साहब वास्ते ते अपने वास्ते जो प्यार मैं उस वक्त देखा जो उन्हें वास्ते और अपने वास्ते जो मोहब्बत उस वक्त देखी जो जज्बा मैं उस वक्त देखा अज भी अल्लाह की कसम है मैं वो जज्बा देख रहा हूं एक
लेंगे लेकिन कहने सब ले अंदर उठना भी मन है कि होना ले अल्लाह की मेहरबानी साढ़े ही सारी जम्मू कश्मीर की महाराज बराली दोस्तों दानी साहब कहने का जिन्हें मैं कर रही हूं फिर सारे मेरे खिलाफ पैदा कर रहे जिन्हें भी सियासतदान जिन्हें भी स्टेज पर खड़े ने बारी बारी आके मेरे खिलाफ गला करते दोस्तों क्या इस गल में मेरा कद घट रहा और मेरा कद भी इस गल में वध है कि उन्होंने सारे दिल के विच खौफ है इस वास्ते सिर्फ मेरी मुखालत कर रहे किसी पीटीआई किसी लीडर का किसी टीवर होर का ना नहीं लगे सिर्फ मीएसी का ना लगे तो ना ये भी गल आ रहे मीर शी की सियासत मुक गई है तो जो मीर शी की सियासत मुक गई है तो दिमाग क्यों कम करना छड़ गए वो की गल है किस तरह क्यों वजह की है जो मीर शी का कद घट गया वो सियासत जो और भी हो गया तो हर जलसे सिर्फ मीर शी का ही ना लग दो जो किसी बाप नीए तो कि गुस्सा लगता है महाजरी के बुजुर्ग जिन्हों तुसी अपना बुजुर्ग भी समझते हो अपना भरा भी समझते हो जो ओनू कोई बुरा आखे तो तुम कि लगेगा अपनी तरफों मेरे खिलाफ गलत मत झूठा बकवास तय करके ते मेरा कद कटा की कोशिश कर रहे हैं अदा मेरा कद कटा आ रहा है यकीन करो दानिया साहब या वो वैस खान साहब वो वैस खान की गल करो कहना कि मिया साहब के खाड़े भी हो गए Oh,
मुकाबला करते थे इलेक्शन गाला करते थे इलेक्शन गाला जम्मू कश्मीर मोहाली वोट ने बच्चे मेरे छोटे बच्चे गल करानी लाहौर लैके जाते
ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੌਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਕਮਤ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਨਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਸਜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਗਰ ਦਿਨਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਲਿਆਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚ ਐਨੀ ਵੀ ਹਕਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਛੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸ ਦਾਤ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰਾ